दुर्ग रेलवे कोच केयर सेंटर में कार्यरत ठेका कंपनी डायनेमिक इंटरप्राइजेस रतलाम द्वारा नगद एडवांस पेमेंट के नाम लगभग 200 श्रमिकों के साथ धोखाधड़ी किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं कई वर्षों से अपने वेतन के लिए बेरोजगार भटक रहे हैं श्रमिक। ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस का कार्य करने वाले श्रमिकों को निजी कंपनी के लिए ठेका दिए जाने के बाद से वेतन न दिए जाने के साथ ही रोजगार से हटा दिए जाने से परेशान श्रमिकों ने अपनी नौकरी व रुके हुए वेतन दिए जाने की गुहार लगाई। मंगलवार को दुर्ग रेलवे कोच केयर सेंटर के सामने पंडाल लगाकर धरना दिया। बता दें कि अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करने वाले श्रमिकों ने डायनामिक इंटरप्राइजेस रतलाम कंपनी से गुहार लगाई है। जुलाई वर्ष 2018 में दुर्ग रेलवे कोच केयर सेंटर में अपना OBHS का ठेका कार्य शुरू किया। OBHS का अर्थ ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस, मतलब चलती ट्रेन में यात्रियों को साफ सफाई की सर्विस देना है, जिसमें डायनामिक इंटरप्राइजेस ठेका कंपनी ने पहले माह से ही नगद एडवांस राशि देने के नाम पर रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर 200 श्रमिकों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। श्रमिकों के फर्जी हस्ताक्षर यहां पर लिए गए। एक तरफ ठेकेदार धोखाधड़ी कर रहा था तो दूसरी तरफ रेलवे अधिकारी बिल पास कर रहे थे। रेलवे अधिकारियों को शिकायत हुई, लेकिन ठेकेदार को संरक्षण प्राप्त होने के कारण कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। इसे लेकर सभी श्रमिकों ने अपनी आवाज़ उठाई है ताकि रेलवे प्रशासन इस दिशा में कोई उचित पहल कर श्रमिकों के रुके वेतन दिलाए और रोजगार मुहैया कराए। साथ ही श्रमिक ने बताया है कि ठेका कंपनी द्वारा स्थानीय श्रमिकों को हटाकर राजस्थान से श्रमिक लाकर काम कराया जा रहा है। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी पीड़ा श्रमिकों ने बयां की है। वर्ष 2018 जुलाई में काम शुरू हुआ OBHS का। OBHS मतलब ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस। दुर्ग से जो ट्रेनें चलती हैं, चलती ट्रेनों में यात्रियों को सफाई की व्यवस्था का काम इन श्रमिकों के द्वारा दिया जाता था। जुलाई में डायनेमिक इंटरप्राइजेस ने ठेका लिया, काम शुरू किया। पहले महीने से ही इन श्रमिकों 200 श्रमिकों के साथ एडवांस पेमेंट के नाम पर धोखाधड़ी की। हम लोग शिकायत करते रहे, लेकिन रेलवे के अधिकारी सीनियर DME सिंकू और सीनियर DME SK सेनापति, ये भ्रष्ट लोग ठेकेदार के साथ मिलकर के इन श्रमिकों का शोषण करते रहे। जब हम लोगों ने शिकायत की तो इन्होंने श्रमिकों को काम से निकाल दिया। आप ताजुब करोगे, लगभग 1 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी हुआ है। पुलिस GRP को हम लोगों ने शिकायत की, मोहन नगर थाने में शिकायत की, संज्ञेय अपराध है। उसके बावजूद पुलिस वालों ने ठेकेदार से मिल करके शिकायत को रफा दफा कर दिया। और आज परिस्थिति ये है कि यहाँ का रोजगार, छत्तीसगढ़ का रोजगार है, 200 श्रमिक बेरोजगार हैं और राजस्थान से श्रमिकों को ला करके यहाँ पर काम कराया जा रहा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। इन सब मांगों को लेकर, रोजगार की मांग, दूसरा जो इनका भुगतान बाकी है उसकी मांग को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं सिविल सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा। मैं वो OBHS कोच अटेंडर में ड्यूटी करता था मैं पहले। करीब लॉकडाउन के समय में हमको निकाला गया। उसके बाद हमको निकालने के बाद ये बोला गया कि हम बैठाए बैठे पैसा नहीं देंगे, इससे तुम तो उस दिन के लिए आराम कीजिए, फिर उस जैसे ही काम चालू होगा तो हम तुम्हें रखेंगे। जैसे ही चालू हुआ काम सर, फिर बोल दिए कि तुम लोग, आप लोग जो है केस किए हो उसके नाम पे, तुम्हारे को, तुम जैसे लोगों को नहीं रखेंगे काम में। या हमारे बाहर के लड़के राजस्थान से आए हैं, वो वही लड़के को रखेंगे, छत्तीसगढ़ के लड़के को नहीं रखेंगे। और जबकि हम वहाँ पे जी जान से काम करते थे सर, कई लोग का हाथ कर टूट गया, कोई आदमी स्पॉट पे डेथ हो गया, हमारा भी ये हाथ है देख लीजिए, ऑन स्पॉट पे गोरखपुर नौतनवा एक्सप्रेस में हमारा हाथ फ्रैक्चर हुआ, उसका 1 रुपया बरताना नहीं, कुछ नहीं दिया सर ऑन ड्यूटी पे ही। तो भी हम क्या करें, इसी के संभावने में है कि हमारा काम चालू होगा, हम भी मन से काम करें, हम भी बीवी बच्चे वाले आदमी हैं, बेरोजगार जो है इतना दिन तक कर रह गए, आगे जो है हमारा सोचते हैं कि काम चालू हो जाए, हम भी अपने मन से काम करें और आगे भी अच्छे से रहें। हम लोग दूर का OBHS में काम करते हैं, क्योंकि हमारे काम के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, हमको काम चाहिए सर, और आगे से हमारा परमिट भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम लोग धरना प्रदर्शन डाल रहे हैं। अब आगे अधिकारी लोग पता नहीं क्या बोलेंगे कि काम में रखना चाहते हैं कि नहीं, हमारा तो कोई अधिकार, हम लोग तो पता नहीं देना चाहते कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए
लेकिन हमारा अधिकार है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन करके बैठे हैं सर। 5 साल होते आ रहा है सर, परमानेंट नहीं मिल रहा है और ऊपर से हम लोग से और उल्टा पैसा लेते जा रहा है, काम से बैठा दिए हैं और ऊपर से बाहर के लड़के रखे हैं, कई रतलाम के, कई बिलासपुर से, कई भाटापारा से, इतने दिन से काम हम लोग करते आ रहे कि हम लोग को काम में लेने के लिए अधिकार उनको नहीं है करके। एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गा से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।